यूक्रेन के बीच जंग 10वें महीने में प्रवेश कर गई है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल दागी है। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कांग्रेस से दुगनी नौकरियां देने का वादा किया। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह तिहाड़ जेल के सुप्रीमटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, लो जी नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का, जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे हाजिरी देते जेल सुप्रीमटेंडेंट। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को PSLV C-54 मिशन को लॉन्च किया। इसे तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसके तहत 9 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए हैं। यहां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट की 56वीं फ्लाइट है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही। नए केस 500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 498 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 506 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64,56,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने न्यू वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्च डेट का खुलासा किया है। मस्क ने कहा है, ट्विटर अगले हफ्ते शुक्रवार को इसे लॉन्च करेगा। नए सिस्टम में सरकार, कंपनी और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैच मिलेंगे। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिक को ब्लू चेक मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। पहला मैच हार चुकी भारतीय टीम के लिए करो या मरो की भिड़ंत है। वेदर प्रिडिक्शन वेबसाइट AccuWeather.com के मुताबिक रविवार को हैमिल्टन में बारिश की संभावना 40% से 68% तक है। वहां दोपहर में 2 से 3, शाम 5 से 6 और रात 7 से 8 बारिश की आशंका 60% से ज्यादा है। लगातार तेजी के बाद इस हफ्ते गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमत 52,662 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं बीते सप्ताह गोल्ड का भाव 52,918 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। हालांकि इस सप्ताह अभी भी कीमतें 52,000 रुपये के आंकड़े के ऊपर ही बनी हुई है।